Morning friends, so we are at the second last application of the complex number, that is the logarithms of complex number. Point ये है कि इसमें किसी complex number अगर given होता है तो log लेने की क्या utility है, क्यों log लेना पड़े और क्यों हमें उसको workout करना पड़ता है. तो point ये है कि same position जिस तरह से हमने differentiation में किया था, अगर एक variable पे power variable होती थी then you have to take the log. Similarly, in the case of complex number, suppose an complex number is given and power one power another complex number is given into the exponent form. So at that time you have to find, you have to take the log and you can find out the values. So ye important hai ki agar complex number pe power ek uska exponent is another complex number, then you have to take the log, right? तो देखिए इस तरह से होगा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन है एंड जनरल वर्किंग मेथड बता रहा हूं मैं, एंड देन विल टेक सम क्वेश्चंस सो दैट वी कम टू नो दैट व्हाई द लॉगरिथम्स ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिक्वायर्ड, राइट. सो लेट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई. देखिए इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म में अगर नंबर लिखा हुआ है तो इस पे आप इसको पहले इसको लिख लेंगे आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, पोलर फॉर्म में लिख लेंगे, और यू कैन राइट द इनटू द आयलर फॉर्म ई रेस्ट फॉर आइटा थीटा, और यू कैन राइट द ई रेस्ट फॉर आइटा टू एम पाई प्लस थीटा. इसका जनरलाइजेशन कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. दिस इज नॉट अ रूट बट इट्स अ जनरलाइजेशन ऑफ एंगल. If the angle is 60 degree, then he can write the angle 360 plus theta also, or he can write the two times of 360 plus theta also. तो वो भी लिख सकता है, वो भी angle possible है. तो उसको हम जो है जब हम अपना principal argument निकालते हैं तो उस तरह से वो neutralize हो जाते हैं, जितने rounds लेता है वो rounds neutralize हो जाता है. But he can give into the any objective options. तो वो जब देगा तो हमें उसको right click करना होता है. तो देखिए ये इसका जनरलाइजेशन है नंबर का, और नाउ z इक्वल्स टू r e रेस्ट फॉर आइटा टू एम पाई प्लस थीटा अगर गिवन है तो इसमें लॉग ले लेंगे. दिस इज द लॉगरिथम विद द बेस e, राइट. सो लॉग इज टेकन, सो लॉग मींस दिस इज लॉग ऑफ r e रेस्ट फॉर आइटा टू एम पाई प्लस थीटा, राइट. So this give the log of r log m into n. So log of r plus log of e raised for iota 2m pi plus theta, right. And this is with the e base definitely. So log of r, this r means under root of x square plus y square. Wo value aap yahan likh sakte hain, under root of x square plus y square. तो ये वैल्यू भी सिंप्लीफाई हो जाएगी, राइट. और इसमें लॉग एम टू द पावर एन है, सो दिस नंबर विल कम इन फ्रंट टू एम पाई प्लस थीटा एंड लॉग ई बेस इज वन, राइट. सो दिस इज द लॉग जेड वैल्यू. देखिए लॉग जेड है, क्वेश्चन कई तरह से बनाता है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, या डायरेक्टली लॉग लेने के बाद में कोई वैल्यू गिवन होती है तो उस वैल्यू को आपको इवेल्युएट करना होता है, या वो ये भी नहीं देता है तो फिर ये देगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंट में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर देगा, लाइक आइटा टू द पावर आइटा, लाइक आइटा टू पावर आइटा. अब सपोज इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो इसमें लॉग लेना ही पड़ेगा, राइट. विदाउट लॉग इसको हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आइटा टू द पावर आइटा, या ऐसा भी क्वेश्चन बना देता है आइटा टू पावर आइटा टू पावर आइटा. इनकी वैल्यूज निकालनी होती है एंड वी हैव टू डिसाइड अबाउट कि ये क्या वैल्यू देगा. सो बाय यूजिंग द लॉग वी कैन डू दिस, राइट. तो देखिए इस पे पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन पे एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे खाली इतना ही करना होता है, यू हैव टू राइट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द पोलर फॉर्म आइलर फॉर्म एंड देन यू हैव टू टेक द लॉग हियर. लॉग लेंगे एंड दिस बिकम्स लाइक दिस, दिस इज द लॉग जेड वैल्यू. सो दैट लॉग जेड इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ under root of x square plus y square and plus iota this value, right. इस तरह से हो जाएगा. तो देखिए log का भी application तो हमेशा important tool है,
तो आपको पता होना ही चाहिए, लॉक का आइडिया होना चाहिए कभी भी जरूरत होती है। एंड वो उसी केस में यूज होता है जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो एंड दैट गिवन इन टू द एक्सपोनेंट फॉर्म, सो देयरफॉर यू कैन यूज द लॉग एंड दैट कम्स इन टू द फ्रंट। जो पावर एक्सपोनेंट पावर होती है, जो डिग्री होती है, दैट कम्स इन टू द फ्रंट ऑफ लॉग एंड देन यू कैन सॉल्व द लॉग वैल्यू। देखिए इस पे क्वेश्चन इस तरह से होता है, फाइंड वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस रूट 3 आयोटा। नाउ सी दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड भी यहां लिख लेते हैं, लॉग ऑफ माइनस 1 इसकी वैल्यू निकालनी है एंड सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द थर्ड वैल्यू एज ए 1 प्लस वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड 1 प्लस आयोटा टू पावर आयोटा। लेट्स से दीज आर थ्री क्वेश्चंस एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज, राइट। तो इसमें इनिशियली एक काम करेंगे, लॉग इसने खुद ने लिया हुआ है, सो इस नंबर को अगर हम कुछ भी पी लेते हैं, सो दिस इज द लॉग ऑफ, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। यहाँ पे इसने लॉग ऑलरेडी इसमें लिया हुआ है, तो उसको इंक्लूडिंग लॉग यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, राइट। और यहाँ जब थर्ड क्वेश्चन में बात करेंगे तो यहाँ अलग से हमें लॉग लेना पड़ेगा, फिर उसको एंटी लॉग लेना होगा, देन विल कम टू द वैल्यू, राइट। तो इस तरह से लेंगे लॉग log of 1 plus root 3 iota, right. Now convert this into the, this is 1 root 3, 1 is this 1 distance, this is root 3 distance and the theta equals to alpha. Directly we can write into the polar form or the case ka jo r ki value hai, under root of x square plus y square, so 4 ka root aajayega 2, so the r value is 2. You can write the log of 2 e raised to power iota and theta. Now theta here is 10 theta is equals to alpha likhte hain, halaki 10 inverse y by x likhte hain. So this is alpha is pi by 3, 10 inverse of root 3 is pi by 3, right. So this is pi by 3 and the number is going in the first quadrant, so therefore theta equals to alpha. तो इसको ई रेस्ट फॉर आइटा 2 एम पाई प्लस थीटा एंड थीटा इज पाई बाय 3। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, डिपेंड करता है क्योंकि ये मैंने सब्जेक्टिव लिया है तो इसको जनरलाइज करके लिख दिया है। अगर ऑप्शंस दे रखे हैं चार तो इसमें वन ऑफ द आंसर ये भी हो सकता है, ऑल्सो इट कैन बी द वन ऑफ द आंसर, द पी वैल्यू कैन बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2 प्लस, जब इसमें लॉग लेंगे ये आयटा आगे आ जाएगा, आयटा 2 एम पाई प्लस पाई बाय 3, राइट एंड दिस इज देयर, ये वैल्यू बनेगी। अब इस वैल्यू में ऐसा भी कर सकता है ऑल्सो, यहां नहीं लिखना है आपको, अभी तो हम इसका खाली सॉल्यूशन यहां तक कर रहे थे। अब देखिए इस वैल्यू के लिए जो बात लिखनी है वो यहां लिखनी है, ऑल्सो दिस कैन बी वन ऑफ द आंसर लाइक पी इक्वल्स टू, दिस इज लॉग टू बेस ई प्लस आयोटा और 2m पाई में m की वैल्यू जीरो रख सकता है वो, इनिशियली फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट एंगल है 60 डिग्री वही हो, और ऐसा हो सकता है 360 प्लस 60 420 डिग्री भी उसको एंगल को लिख सकता है, पाई नोटेशन में लिख सकता है सो दैट यू कैन बी कंफ्यूज्ड, राइट। तो उसको आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी लिखा जा सकता है, सो आयोटा पाई बाय 3, दिस इज वन ऑफ द आंसर। And by putting the m equals to 1, we can increase 1 angle, 2 pi angle by putting the m equals to 2, 4 pi plus theta, 6 pi plus theta. Likewise, he can make any angle and that has the same value, right? So, इस तरह से ये आपका first question solve हुआ. देखिए इसमें दे रखा है, सेकंड दे रखा है लॉग ऑफ माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है, लेट से दिस इज अगेन पी सेकंड क्वेश्चन एंड लॉग ऑफ माइनस 1, ये डायरेक्टली पोलर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए स्पीडली। देखिए पॉइंट ये होता है कि ये यहाँ पे पॉइंट होता है माइनस वन इज माइनस 1.0, इसको पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, माइनस 1 प्लस आयटा इंटू 0,
माइनस वन जीरो हो गया, एक्स माइनस वन हो गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस पोजीशन पे लाया करेगा और उसकी डिस्टेंस होगी वन और एंगल वो क्रिएट करेगा पाई, ठीक है। सो डायरेक्टली यू कैन राइट द, बिकॉज आर इज वन हियर, सो यू कैन राइट द लॉग ऑफ आर इज वन, आप इस तरह से लिखते हैं आर ई रेस्ट फॉर आइटा थीटा, आर इज वन ई रेस्ट फॉर आइटा एंड दिस एंगल इज पाई कॉस पाई, राइट। सो यू कैन राइट द आंसर्स, और मुझे इसमें आंसर्स गिवन है, राइट, फोर ऑप्शंस इस तरह से थे सेकंड के लिए। सेकंड के लिए ऑप्शन थे आइटा पाई, बी ऑप्शन माइनस आइटा पाई, सी ऑप्शन आइटा पाई बाय टू एंड डी ऑप्शन एज अ माइनस आइटा ओनली, राइट। आइटा पाई माइनस आइटा पाई बाय टू एंड माइनस आइटा, राइट। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो वन है और ये नंबर आगे आ जाएगा आइटा पाई लॉग ऑफ ई बेस ई, दैट इज इक्वल्स टू वन। ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि लॉग ए बेस ए वन होता है, कोई भी नंबर दिया हुआ हो लॉग का और विद द सेम बेस दिया हो तो वन होगा। लॉग सेवन बेस सेवन वन है, लॉग इलेवन बेस इलेवन वन है, राइट। तो ये पता ही है आपको, तो इसको हम लिखेंगे आइटा पाई और इस तरह से यहाँ पे जो आंसर होगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिस इज कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई एंड डेफिनेटली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पाई हो सकता है, माइनस पाई नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको सही लिखा है। इसके बाद में एक और वैल्यू दे रहा है ये, सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप इसको अभी यहां एक काम करेंगे, इसको लेट पी कर लेंगे, थर्ड क्वेश्चन पी एंड पी इज वन प्लस आइटा टू पावर आइटा। और जो मैं आपको बात बोल रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो एक्सपोनेंट है दैट इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हो एट दैट टाइम देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग द लॉग, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व, ठीक है ना। वो आप चीज समझ रहे हो कि लॉग के ऊपर एक लॉग पावर होगी तो हमें, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर पे पावर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा देन वी हैव टू टेक द लॉग, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम लॉग ले लेंगे, लॉग पी इक्वल्स टू एंड ये वैल्यू हो जाएगी, लॉग ले लेते हैं यहाँ पे लॉग वन प्लस आइटा पावर आइटा और ये आइटा आगे आ जाएगा आइटा लॉग ऑफ वन प्लस आइटा। अब देखिए यहाँ पे अभी हमें इसको उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट, आयलर फॉर्म में कन्वर्ट करना अभी पेंडिंग है। आप देख ही रहे कि इसमें बहुत इजी है, वन वन है तो दिस इज द पाई बाय फोर एंगल बिकॉज दिस इज वन और इसका जो आर की वैल्यू है वो रूट टू है, थीटा इसमें पाई बाय फोर है, इसको आप जल्दी से लिख दें आइटा लॉग ऑफ दिस इज रूट टू, रूट टू ई रेस्ट फॉर आइटा पाई बाय फोर, ठीक है। जब तक वो कोई वैल्यू अगर दे रखी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें वैल्यू दे रखी है तो हम, नहीं तो हम इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू ही लिखते हैं, स्टैंडर्ड मीनिंग फर्स्ट वैल्यू, टू एम पाई इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। और वो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन के लिए बताया कि इट मे बी पॉसिबल कि वो टू एम पाई एंगल इंक्रीज करके लिख दे ऑप्शंस में, चार ऑप्शंस में, तो उसमें घबराना नहीं है, आपको पता है कि वो भी पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये नंबर आगे आ जाएगा, इसको लिखेंगे आइटा एंड लॉग एम इंटू एन लगेगा, पहले लॉग ऑफ रूट टू आएगा, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ ई टू द पावर आइटा पाई बाय फोर होगा एंड दिस इज आइटा लॉग ऑफ रूट टू, लिख सकते हैं वन बाई टू लॉग टू लिख सकते हैं और लॉग टू विद द बेस ई आपको पता है तो लिख सकते हैं 0.3010, अभी वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहीं पे ऐसे ही छोड़ दें। और इसमें लिखेंगे आइटा पाई बाय फोर एंड लॉग ई बेस ई वन हो गया, सो अल्टीमेटली दिस इज द वैल्यू, राइट, दिस कैन बी रिटन एज आइटा पाई बाय टू, आइटा बाई टू लॉग टू बेस ई एंड आइटा स्क्वायर इज माइनस वन माइनस पाई बाय फोर। सो दिस इज द फाइनल मीन्स सिंप्लीफाइड वैल्यू फॉर द लॉग पी बेस ई। अभी काम पूरा नहीं हुआ, देखिए हमें वैल्यू निकालनी थी इसकी पी की और ये लॉग लिया हुआ है वैल्यू, अभी दिस इज द लॉग पी बेस ई है, देयरफॉर पी इक्वल्स टू,
इक्वल्स टू, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा, पी इक्वल्स टू ई टू द पावर आइटा बाई टू लॉग टू बेस ई माइनस पाई बाय फोर। तो देखिए अब लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे चेंज कर सकता है वैल्यूज को, लिख सकता है इस तरह से भी ई टू द पावर आइटा बाई टू लिख सकता है, लॉग टू बेस ई इंटू ई टू द पावर माइनस पाई बाय फोर लिख सकता है। तो ये वैल्यू तो आपकी रियल नंबर है, इसको आप उठा के चाहो तो वन अपॉन ई टू द पावर पाई बाय फोर पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, और इस नंबर को आप चाहे तो फिर जिस भी फॉर्म में वो लिखना चाहे लिखा जा सकता है। मीन सपोज देखिए मैं आपको फॉर्म्स बताता हूँ, कई तरह से लिखते हैं वैल्यूज को, ठीक है। वन बाई टू को चलिए हम वापस अंदर कर देते हैं, आईटा टू पावर लॉग ऑफ रूट टू लिख देते हैं, तो जिससे कि वो ठीक दिखाई देगा, इस तरह से भी लिख सकता है वो, एंड वन अपॉन ई टू द पावर पाई बाय फोर, राइट। और फिर लिख सकता है क्योंकि ये ई रेस्ट पावर आइटा थीटा है, ये एंगल की तरह काम कर रहा है, तो इसको लिख सकता है कॉस ऑफ लॉग ऑफ रूट टू बेस ई प्लस आइटा साइन ऑफ log of and this is the angle, whole angle, log of root to base e। देखिए इस तरह की बातें लिखी जा सकती है। क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछता है द रियल पार्ट ऑफ दिस, ये पूरा वैल्यू था वन प्लस आइटा की पावर आइटा था, और इस पे क्वेश्चन खाली इतना प्लेस कर देते हैं, क्या हुआ है सवाल इस तरह का कि बोलता है कि फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस। सो रियल पार्ट ऑफ दिस, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व दिस अप टू दिस लेवल, और इसमें जो रियल पार्ट लिखना है, देयरफॉर अगर सपोज करो क्वेश्चन और ज्यादा बढ़ा दे आगे और बोले रियल पार्ट ऑफ वन प्लस आइटा टू द पावर आइटा इक्वल्स टू, ये इसका रियल पार्ट है, इसको लिख लेंगे आप कॉस ऑफ लॉग ऑफ रूट टू बेस ई एंड डिवाइडेड बाय ई टू द पावर पाई बाय फोर, एंड दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। तो इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट किए हुए रहते हैं। इसके बाद में हम लॉग के और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, जिसमें आइटा की पावर आइटा और आइटा की पावर आइटा है, इस तरह के कुछ एक और क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लेता हूँ।